कभी इस देश के आजादी के लिए आमंत्रण करने का काम नहीं किया। गांधी जी ने आमंत्रण किसके लिए किया कि अछूतों को कुछ अधिकार न मिल जाए, इसके लिए उन्होंने आमंत्रण करने का काम किया। उन्होंने देश की आजादी के लिए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, नमक सत्याग्रह चलाया, लेकिन आमंत्रण चलाने का काम नहीं किया। आमंत्रण किस लिए चलाया कि अछूतों को कुछ भी अधिकार न मिल जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर बहुत दबाव बनाया गया, उनको मारने की धमकी दी गई। जब बाबा साहब नहीं माने तो माता रमा बाई को भी कहा गया। बाबा साहब को माता रमा बाई ने भी समझाया कि आप बहुत साधकार लेकर के आए हैं जिससे आपकी जान जोखिम में पड़ी हुई है। बाबा साहब ने कहा कि मैं अपने लोगों के लिए वो अधिकार लेकर के आ रहा हूँ कि आज नहीं तो कल जब इस वोट के अधिकार को समझेंगे इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे। अपने समाज के लोगों को हुक्मरान समाज बनाने के लिए अपने समाज के लोगों के सच्चे प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार लेकर के मैं आया हूँ और मैं उस अधिकार को वापस लेने वाला नहीं। तब गांधी जी के लोगों ने बाबा साहब को कहा कि मैं आपके लोगों को अगर गांधी जी की मृत्यु अनशन से हो जाती है तो आपके लोगों को जिंदा छोड़ने का काम नहीं करेंगे। बाबा साहब को मजबूरी में अपने लोगों की भलाई के लिए ये सोच करके जब हमारे लोग ही नहीं रहेंगे तो अधिकार हम किसके लिए मांगेंगे। बाबा साहब ने अपने लोगों की भलाई के लिए मानवता का संदेश देने के लिए बाबा साहब ने लिखा भी कि हमारे सामने दो रास्ते थे, एक मानवता का संदेश देना था और दूसरी तो हमारे लोगों की भलाई थी। हमने मानवता को चुना और गांधी जी के प्राण की रक्षा करने का फैसला किया। इसीलिए बाबा साहब को कहा जाता है भारत के संविधान के निर्माता और गांधी के जीवन दान के। गांधी को जीवन दान देने वाले, भारत को संविधान देने वाले अगर कोई इस देश में है तो कोई और नहीं हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 24 सितंबर 1932 को पूना में हुआ। बाबा साहब जैसा कि आप लोग जानते ही थे कि बाबा साहब दुनिया के महत्तम विद्वान थे। महत्तम विद्वान होने के नाते बाबा साहब इस देश की सर्वोच्च से देश के लिए दुनिया की सर्वोच्च गति पर बैठ सकते पहुंच सकते थे, अपने और अपने परिवार की ऐसो आराम की जिंदगी दे सकते थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा नहीं किया। बाबा साहब ने हमारे लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान से जीने के अधिकार के लिए संघर्ष किया और पूना पैक्ट में हमको डबल वोट की जगह सिंगल वोट का राइट मिला। इसके साथ ही हमको शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 50% का आरक्षण मिला। इसकी बदौलत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत आज हमारे समाज के MLA और MP बनते हैं तो किसकी बदौलत बनते हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत। आज भारत की लोकसभा में 131 SC ST के MP चुन करके जाते हैं तो किसकी बदौलत चुन करके जाते हैं? बाबा साहब की बदौलत। आज महाराष्ट्र से लेकर के देश की तमाम विधानसभाओं में आमदार चुन करके जाते हैं तो किसकी बदौलत चुन करके जाते हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या हो गई? एक तथाकथित महात्मा की जीत के कारण जो सच्चे प्रतिनिधि चुन करके जाते वो सच्चे प्रतिनिधियों की जगह अब चमचे और गुलाम चुन करके जाते हैं। आरक्षण की सीटों से रिजर्व सीटों से कौन चुन करके जाते हैं? चमचे और गुलाम चुन करके जाते हैं जो अपने मास्टर के कहने पर जिस तरह से बंदरिया बंदर समझते हैं मक्की, जिस तरह से मक्की अपने उस जो मदारी होता है उसके डमरू बजाने पर उसके बोलने पर नाचती है, डांस करती है, सलाम करती है, ठीक उसी तरीके से जो लोग BSP के अलावा अन्य पार्टियों से SC ST के लोग चुन करके जाते हैं तो अपनी पार्टी के मालिक की तरह मदारी की तरह उनके डमरू पे नाचने का काम करते हैं। तो आपकी भलाई का काम नहीं करते SC ST के जो MLA आमदार और खासदार चुन करके जाते हैं, क्या आपकी भलाई का काम करते हैं? अगर भलाई का काम करते तो इस देश में बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान सभा बनाने का काम किया, संविधान समीक्षा की कमेटी बनाने का काम किया था तो किसी भी खासदार ने किसी भी आमदार ने जो दूसरी पार्टियों से चुन करके गए थे सड़क पे आंदोलन करने का काम नहीं किया था। उसके लिए आंदोलन सिर्फ और सिर्फ करने का
का काम किया था, बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता संस्थापक मानव श्रीकांतिराम रामदेव, बहुजन समाज पार्टी की नेता, विश्व की 8 शक्तिशाली महिलाओं में गिनी जाने वाली परमादरणीय बहन जी ने उसके लिए संघर्ष करने का काम किया। पूरे देश में मानव श्रीकांतिराम साहब ने हजारों की संख्या में सेमिनार सिंपोजियम करके पूरे देश के लोगों में मीटिंग करके कैडर कैंप करके जगाने का काम किया था, नारा देने का काम किया था संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में, संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में। क्या आपके महाराष्ट्र के किसी आमदार खासदार ने उसके लिए आंदोलन किया? आपके आरक्षण पे जब चोट पहुंची, आपके लोगों के रिजर्वेशन प्रमोशन की जब लड़ाई की बात आई, तो आपके महाराष्ट्र के किसी भी आमदार खासदार ने क्या उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया? लोकसभा में जब राज्यसभा में आदरणीय मैत्री ने रिजर्वेशन प्रमोशन के बिल को पास करा दिया था और जब वो लोकसभा में गया तो उस लोकसभा में बिल को फाड़ने का काम किसने किया था? जो बीएसपी के अलावा दूसरी पार्टियों से चुनकर के एससी एसटी के लोग गए थे, उन्होंने उस बिल का विरोध करने का काम किया। बाबा साहब को मानने की बात करते हैं, बाबा साहब को अपना सच्चा भाई कहते हैं, बाबा साहब की पार्टी का अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, लेकिन बाबा साहब के लिए लड़ाई लड़ने का काम, संघर्ष करने का काम, बाबा साहब को संघर्ष दिलाने, बाबा साहब को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष करने का काम कोई भी नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ कोई करता है तो बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी करती है। साथियों, बाबा साहब ने हमको भारत के संविधान में विधायिकाओं में सरकारी नौकरियों में शिक्षा में नौकरी दिलाने का काम किया, नौकरी के अधिकार दिलाने का काम किया, आरक्षण दिलाने का काम किया, एससी एसटी के लोगों को दिलाने का काम किया, ओबीसी के लोगों के लिए भी दिलाने का काम किया। किसकी बदौलत? जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन गए। ड्राफ्टिंग कमेटी का अगर बाबा साहब संविधान में चेयरमैन नहीं बने होंगे तो क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पिछड़ों के लिए भारत के संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था कर पाते? शायद नहीं कर पाते। तो बाबा साहब को रोकने के लिए तो कांग्रेस ने तमाम पार्टियों ने तो पूरी कोशिश की थी कि बाबा साहब संविधान सभा में चुन करके ना जाए, लेकिन धन्य है मुस्लिम लीग के लोग, धन्य है बंगाल के नमोसूत्र लोग, बंगाल के चंडाल लोग, जिन्होंने बाबा साहब को, साथियों महाराष्ट्र के लोगों ने तो बाबा साहब को हरा ही दिया, बाबा साहब को तो हरा ही दिया, तो उनके पीए नहीं है, लेकिन धन्य है बंगाल के लोग, धन्य है नमोसूत्र लोग, धन्य है पचंदार लोग, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा के लिए सेशन रोड खुल्ला की सीट से चुन करके भेजने का काम किया। बाबा साहब जब चुन करके गए तो कांग्रेस ने सोचा कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में आ गए तो जिस तरह से लंदन की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसों में बाबा साहब ने सबको पराजित करने का काम कर दिया, गांधी जी को पराजित करने का काम कर दिया, तो संविधान सभा में भी बाबा साहब अपने लोगों के लिए हक दिलाने का काम करेंगे, इसलिए बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से रोकने का काम किया, उनको रोकने का काम किया। और किस तरह से रोका? साम दाम दंड भेद सभी हथकंडे उठाकर, पहले हथकंडे में बाबा साहब को हरा दिया, दूसरे हथकंडे में बाबा साहब जीत भी गए, तो बाबा साहब जिस जगह से जीत के आए तो कांग्रेस पार्टी ने उस क्षेत्र को पाकिस्तान की संविधान सभा में दे दिया, जैसा लोग खुल्ला को पाकिस्तान में दे दिया, जबकि नियम के हिसाब से सिद्धांत के अनुसार वो सीट वो क्षेत्र भारत में होना चाहिए था, क्योंकि तय यह हुआ था कि उस क्षेत्र को पाकिस्तान में दिया जाएगा जहां पर मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा होगी, 50% या उससे ज्यादा होगी, लेकिन जैसा लोग खुल्ला में बुद्धिस्टों की आबादी ज्यादा थी, चंडालों की आबादी ज्यादा थी, मुस्लिम की आबादी तो वहां 30-35% ही थी, फिर भी कांग्रेस ने उस क्षेत्र को पाकिस्तान में देने का काम किया। साथियों, बाबा साहब हार मानने वाले लोगों में नहीं थे, बाबा साहब उन लोगों में से थे कि जिन्होंने हमेशा असफलता को एक चुनौती मानने का काम किया था, असफलता को एक चुनौती मानने का काम किया, तो चुनौतीपूर्ण जीवन को जीने का काम किया था, इसलिए वो चुनौती को मान करके बाबा साहब लंदन गए, लंदन में लंदन की सरकार से मिले, विरोधियों से मिले, विपक्ष के लोगों से मिले, सत्ता पक्ष के लोगों से मिले, महारानी से मिले और अपनी बात बताने का काम किया। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस के लोगों से कहा कि अगर आप लोग देश की आजादी चाहते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा के
लिए चुन करके भेजने का काम, या तो चुन करके भेजो या फिर उस क्षेत्र को वापस लेने का काम करो। लेकिन कांग्रेस उस क्षेत्र को वापस कैसे लेती, क्योंकि वहां के लोगों ने तो बाबा साहब को संविधान सभा में चुन करके भेजा था, इसलिए उनको दंडित करने के लिए उस क्षेत्र को पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में देने का काम किया। और बाबा साहब के लिए पूना के बैरिस्टर जयकर की सीट खाली करा करके उन्हें संविधान सभा में चुन करके भेजने का काम किया। और न सिर्फ चुन करके भेजने का काम किया बल्कि ब्रिटिश हुकूमरान के कहने पर बाबा साहब को मंत्री भी बनाने का काम किया उस समय की साथियों सरकार ने। बाबा साहब तो मंत्री बने। कांग्रेस के लोग जिस तरह से नेहरू कमेटी की रोड को रिपोर्ट को चोरी छिपे नेहरू की अध्यक्षता में संविधान बनाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे ही उन्होंने देश के दुनिया के तमाम संविधानों के लोगों ने विशेषज्ञों से बात की और लोगों से कहा कि भाई वहां की मॉडल को हमको दे दो। तब ब्रिटिश की महारानी ने कहा कि आपके देश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जैसा महान विद्वान है, आप इधर उधर क्यों संविधान बनाने के लिए लोगों को ढूंढ रहे हैं, जाओ डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में जिसको चुन करके लाए हैं उनको आप संविधान सभा का उसका अध्यक्ष बनाने का काम करो, भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी बाबा साहब को देने का काम करो। तब मजबूरी में कांग्रेसियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन का बनाने का काम किया। साथियों 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी, दिसंबर 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई और ड्राफ्टिंग कमेटी की पहली मीटिंग में उनको बाबा साहब को चेयरमैन बनाने का काम किया। उस चेयरमैन उस कमेटी में 7 मेंबर थे, बाबा साहब चेयरमैन बने, 6 मेंबर और थे। हम सबको पता है महाराष्ट्र के लोग हमसे ज्यादा विद्वान है, आप लोग बाबा साहब के ज्यादा नजदीक रहने वाले लोग रहे हैं, हमने तो बाबा साहब को सुना है खाली, बाबा साहब को पढ़ा है थोड़ा बहुत, वो भी अपने मानवर कांशीराम साहब के माध्यम से, आप लोगों ने आपके पूर्वजों ने आपके पिता ने आपके ग्रैंडफादर ने बाबा साहब के साथ काम भी किया। बाबा साहब के साथ जो 6 लोग थे उनमें से ज्यादातर लोग निष्क्रिय हो गए, 2 लोग मर गए, 4 लोग निष्क्रिय हो गए, अकेले बाबा साहब के कंधों पर भारत के संविधान बनाने की जिम्मेदारी आई। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत के संविधान को लिखने का काम किया। यहां तक कि बीमारी की हालत में भी बाबा साहब अपनी टाइपिस्ट की अब्सेंट में भी अनुपस्थिति में भी खुद टाइप करके भारत का संविधान लिखने का काम किया। और जब भारत के संविधान को भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाबा साहब ने भारत का संविधान सौंपने का काम किया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महामहिम राष्ट्रपति ने इस बात की प्रशंसा करते हुए कहा है कि बाबा मैंने अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए देखा है कि रात दिन किस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को बनाने के लिए मेहनत करने का काम किया है, परिश्रम करने का काम किया है, बीमारी की हालत में भी परिश्रम करने का काम किया है। सही माने में भारत के संविधान के पिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ऐसे ही नहीं, बाबा साहब को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि बाबा साहब ने भारत के संविधान को लिखने का काम किया। जिस संविधान के पीछे आज केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी पड़ी है, पहले भी पड़ी थी अभी भी पड़ी है, उसी भारत के संविधान में दिए गए आरक्षण के पीछे भारतीय जनता पार्टी पड़ी है, कांग्रेस की अन्य पार्टियां पड़ी है, कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट। लेकिन साथियों कहते हैं कि प्रकृति ने हमेशा कोई ना कोई आयोजन किया है, महात्मा ज्योतिबा फुले के बाद छत्रपति साहू जी महाराज, तथागत के बाद महात्मा ज्योतिबा फुले के बाद छत्रपति साहू जी महाराज के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद जब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया। बाबा साहब का परिनिर्वाण होने के बाद काफी लंबे समय तक भारत के बहुजन समाज के लोग लीडर देश रहे, नेतृत्वहीन रहे। क्यों रहे? क्योंकि बाबा साहब के अगुवाई कहे जाने वाले लोग, बाबा साहब के सच्चे डिसाइपल कहे जाने वाले लोग, उन लोगों ने बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर कर दिया। बाबा साहब ने अपने सपनों की पार्टी आरपीआई का बायलॉज लिखा लेकिन समय कम होने के कारण बाबा साहब हम लोगों के बीच से चले गए। बाबा साहब आरपीआई को लॉन्च नहीं कर पाए, उसको जन्म नहीं दे पाए, लेकिन उसका बायलॉज लिख लिए। लेकिन बाबा साहब
बाबा साहब के अनुयायियों ने, बाबा साहब के लेफ्टिनेंट कहलाने वाले लोगों ने जब 1957 में जब आरपीआई किया, जन्म दिया, आरपीआई की स्थापना की, तो साथियों बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कहा जाता है, पता नहीं है कि लोगों ने मुझे बताया कि आरपीआई बनते ही आरपीआई का कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं था, बल्कि तीन कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। तीन कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, कहने का मतलब ये था कि इतनी संपत्ति नहीं हुई कि बाबा साहब की परिकल्पना वाली पार्टी को कोई एक आदमी के हाथों में लेकर के बाकी लोग उसके नेतृत्व में काम करें। बाबा साहब चाहते थे कि उनके जीते जी हमारा कोई अगुवाई उनके आंदोलन की बात और अपने हाथों में ले लें, इसीलिए उन्होंने शायद कहा था कि मैं जुकारवा यहाँ तक लाया हूँ, वेद मुसीबतों के बाद, लाखों विरोधियों का सामना करने के बाद लाया हूँ, जो आज जिस शक्ल सूरत में दिखाई दे रहा है उसे मेरे अनुयायी आगे ले जाने का काम करें, अगर आगे नहीं ले जा सकते तो कम से कम यहीं पर छोड़ दें, किसी भी कीमत पर पीछे ना जाने दें। लेकिन बाबा साहब के परिवार के बाद उनके लेफ्टिनेंट कहे जाने वाले लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब की जन्मभूमि, बाबा साहब की कर्मभूमि, महाराष्ट्र की धरती पर बाबा साहब के कारवां को साथियों जमीन दोज करने का फैसला कर लिया था। तभी कुदरत ने हम लोगों के बीच में बहुजन समाज के रूप में मानव श्री कांतिराम साहब को भेजने का काम किया। मानव कांतिराम साहब पंजाब की धरती पर पैदा हुए, साथियों कितनी बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति ने अपनी उम्र के 21वें वर्ष में बाबा साहब का नाम सुना हो, जिन्होंने बाबा साहब को देखा नहीं, बाबा साहब को सुना नहीं, उन्होंने बाबा साहब के कारवा को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने का संकल्प लिया, और न सिर्फ संकल्प लिया बल्कि उस कारवा को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने का काम किया जो बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो तुम एक न एक दिन इस देश के हुक्मरान समाज बनोगे। मानवर कांतिराम साहब ने देश के सबसे बड़े सूबे आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे में बहुजन समाज के लोगों को हुक्मरान समाज बनाने का काम उस समय किया जब उन्होंने बाबा साहब की बात को सही साबित करने का काम किया, जब एक दलित की बेटी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ लेने का काम किया। साथियों इस देश में संगठनकर्ता नेता बहुत आए जिन्होंने बहुत कुछ कहा लेकिन किया कुछ नहीं। अगर बाबा साहब के बाद कोई इस देश में नेता पैदा हुआ है, कोई संगठनकर्ता पैदा हुआ है, तो वो मानवर कांतिराम साहब हैं जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, उनसे लोगों ने कहा कि आप अपॉर्चुनिस्ट हैं, उन्होंने कहा हाँ मैं अपॉर्चुनिस्ट हूँ, हाँ मैं मौका परस्त हूँ, सीना ठोक करके कहा कि मैं मौका परस्त हूँ और जहाँ मौके नहीं होते हैं वहाँ पर मैं मौके पैदा करता हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य है इस देश के बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना, मेरा लक्ष्य है उनको हुक्मरान समाज बनाने के लिए मैं मौका परस्त हूँ। नारा लगाने का काम किया था कि वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उन्होंने नारा लगाया था अब भोजन की बारी है 21वीं सदी हमारी, वोट से लेंगे सीएम पीएम आरक्षण से लेंगे एसपी पीएम, जो मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, ओबीसी की समस्या देश की समस्या, ये वो नारे थे जो 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी के जन्म के साथ ही भारत की फिजा में गूंजने लगे थे, बहुजन समाज के दिलों में बास करने लगे थे। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये पार्टी बहुजन समाज पार्टी जिसका जन्म हो रहा है, ये नारे क्या कभी हकीकत में बदल पाए, ये पार्टी क्या अपने वोटों के दम पर क्या अपने एमएलए एमपी बना सकेगी, आमदार खासदार बना पाएगी। दुनिया में बहुत से ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने क्रांतियां करने का काम किया है, सभी क्रांतियों में अगर आप देखें तो साथियों खून बहा है, लेकिन मानव श्री कांतिराम साहब ने साथियों बिना एक बूंद खून बहाए क्रांति करने का काम किया है, और वो क्रांति थी बहुजन समाज के लोगों को इस देश का हुक्मरान बनाना। जब ये नारे लगाए तो कोई भरोसा नहीं करता था, लेकिन साथियों कांग्रेस का एक व्यक्ति ऐसा था जो इस बात पर भरोसा था कि ये जो नई पार्टी बनी है वो पार्टी एक ना एक
उन्होंने बाद में अपनी टिप्पणी देते हुए कहा था 14 अप्रैल 1984 के, उन्होंने कहा था कि द बर्थ ऑफ पीएसपी विल बी थ्रेट टू द नेशनल पॉलिटिक्स इन इंडिया, द बर्थ ऑफ पीएसपी विल बी थ्रेट टू द नेशनल पॉलिटिक्स इन इंडिया, द दलित्स ऑफ इंडिया दे फाइंड देयर इंडिपेंडेंट वॉइस थ्रू दिस न्यू पॉलिटिकल पार्टी। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में ये नया राजनीतिक दल भारत की राजनीति के लिए एक चुनौती होगा, क्योंकि भारत के दलितों ने अपनी स्वतंत्र आवाज को इस राजनीतिक पार्टी के झंडे के तले पाने का काम कर लिया। साथियों, उस व्यक्ति ने जो उस समय बात कही थी वो बात सही साबित हुई। आज बहुजन समाज के लोग अपनी स्वतंत्र आवाज के रूप में आरपीआई को नहीं देखते हैं। आज बहुजन समाज के लोग अपनी स्वतंत्र आवाज के रूप में, अपनी आवाज के रूप में, अपने संघर्षकर्ता के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में बहुजन समाज पार्टी उसकी नेता परम आदरणीय महेंद्र कुमारी मायावती जी को देखते हैं। और उन्होंने भी, चाहे मनोहर कांतिराम साहब हो, चाहे आदरणीय बहन जी हो, दोनों लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर हमेशा खरा उतरने का काम किया। मनोहर कांतिराम साहब ने जो लोगों से वादा किया उसको पूरा करने का काम किया। बाबा साहब से, बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए जो संकल्प उन्होंने अपनी मां से लिया उसको पूरा करने का काम किया। और बाबा साहब का सपना साकार करना था, इसलिए मनोहर कांतिराम साहब ने अपनी शुरुआत भी बाबा साहब की बनाई हुई, बाबा साहब की कल्पना वाली पार्टी आरपीआई से शुरुआत की। मनोहर कांतिराम साहब ने जब देखा 1971 में जब आरपीआई के नेता दादा साहब बी.आर. गायकवाड़ और मोहन धारिया के बीच में 1972 के लिए आम चुनाव की, लोकसभा के आम चुनाव के लिए समझौता हुआ, उस समझौते में बाबा साहब के बच्चों को 1 सीट और गांधी के बच्चों को 520 सीटें मिली, तो मनोहर कांतिराम साहब ने फैसला कर लिया। मनोहर कांतिराम साहब ने फैसला किया कि आरपीआई के रास्ते बाबा साहब के सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता। मनोहर कांतिराम साहब आरपीआई के नेताओं से मिले, उन लोगों से कहा कि भाई आरपीआई के लोगों, आप लोगों को बाबा साहब की विचारधारा अच्छी है, बाबा साहब ने समाज के लिए काम किया, संघर्ष किया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आप लोग बाबा साहब के सपने को साकार बाबा साहब की विचारधारा से करने का काम करें। तो साथियों, महाराज के आरपीआई के नेताओं ने कहा कि बाबा साहब की विचारधारा तो अच्छी है लेकिन कामयाब हो सकत नहीं, कामयाब हो सकत नहीं। मनोहर कांतिराम साहब ने आरपीआई के लोगों से पूछा, आपका कामयाबी से मतलब क्या है, आपका कामयाबी से मतलब क्या है? उन्होंने कहा, कामयाबी से मतलब है कि बाबा साहब की विचारधारा चांगली है लेकिन कामयाब हो सकत नहीं, इससे हम आमदार खासदार नहीं बन सकते, इससे आमदार खासदार नहीं बन सकते हैं। मनोहर कांतिराम साहब ने कहा कि अगर हम बाबा साहब की विचारधारा अच्छी है तो हम इससे आमदार भी बनेंगे, खासदार भी बनाएंगे, मंत्री भी बनाएंगे, मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, सरकार भी बनाएंगे। मनोहर कांतिराम साहब वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक होने के नाते उन्होंने अपने आंदोलन को साइंटिफिक गति देने का काम किया, साइंटिफिक रूप से अपने आंदोलन को चलाने का काम किया। और वो साइंटिफिक आंदोलन चलाने का क्या मकसद था, वो बाबा साहब की उस बात से सहमत हो गए जो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मैंने सोचा था ये पढ़े लिख करके हमारे अभागे भाइयों की मदद करने का काम करें, उनके विकास के लिए काम करेंगे, लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे आसपास सफेद कलर लोगों की भीड़ इकट्ठा है जो अपना और अपने परिवार का पेट पालने में मशगूल है। इन लोगों ने मुझे धोखा दिया, दे बिट्रेड मी, इन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तब मनोहर कांतिराम साहब ने कहा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं वो समाज राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो सकता है। इसलिए मनोहर कांतिराम साहब ने समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए उत्तर भारत में जाकर के, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जाकर के, महाराष्ट्र की धरती पे बाबासाहेब को जन्म देने का काम किया, दिल्ली में उसकी घोषणा करने का काम किया 6 दिसंबर 1978 को, और उत्तर प्रदेश में उस संगठन के माध्यम से पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों की नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करने का काम।
काम किया, और जब मजबूत कर ली तो उन्होंने दूसरा फार्मूला दिया कि पावर विल बी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल, पावर विल बी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल, सत्ता बिना संघर्ष के प्राप्त नहीं होती है। और बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे आप अपनी तरक्की और विकास के सभी ताले खोलने का काम कर सकते हैं। मानवल कांतिराम साहब ने कहा कि वो सत्ता बिना संघर्ष के नहीं मिलती है, इसलिए संघर्ष के नाते मानवल कांतिराम साहब ने 6 दिसंबर 1981 को डीएस बोर्ड की स्थापना की, जिसके तहत पावर विल बी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल। और जब उसके द्वारा जो नॉन पॉलिटिकल ग्रुप से स्टार्ट हुई थी उनके परिवार के लोगों को छोड़ करके चुनाव लड़ने का काम किया, जब चुनाव लड़ लिए तो मानवल कांतिराम साहब ने कहा कि जब आप राजनीतिक जड़ों को मजबूत कर लें, गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत कर लें, संघर्ष के लिए आप तैयार हो जाएं और आप ये कहें कि हम तैयार हैं, हमें हमारा अधिकार चाहिए, तो इस देश में कोई आपको अधिकार नहीं देगा। अधिकार आपको कब मिलेगा? तब उन्होंने तीसरा फार्मूला दिया कि दोस्त को अपोज विल बी रिक्वायर्ड टू प्रपोज, अगर हम अपोज करते हैं तो हमें प्रपोज भी करना चाहिए। कांग्रेस खराब है, भारतीय जनता पार्टी खराब है, अगर ये पार्टी की सरकारें खराब हैं तो अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, आपको मौका मिलेगा। मानवल कांतिराम साहब ने अपने लोगों को अच्छे के लिए तैयार करने का काम किया, और जब अपने वोटों की दम पर, अपने वोटों की दम पर जब 3 MP 13 MLA 2 MLA मध्य प्रदेश से चुन करके आए और देश में जो अल्पमत की सरकार बनी, बीपी सिंह की अल्पमत की सरकार बनी, श्री बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय बहन जी के नेतृत्व में 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके आए, और उन्होंने उस बीपी सिंह की, उन बीपी सिंह की सरकार को जो अल्पमत की सरकार थी, जब उन्होंने कहा कि आप मंत्री का कोई भी पद ले लें, बहन जी से कहा कि कोई भी मंत्री का पद ले लें, कोई विभाग ले लें, आप हमें 3 अपने सांसदों का समर्थन दे दें, बहन जी ने कहा कि हमें पद नहीं चाहिए, हमें मंत्री पद नहीं चाहिए, या तो लोग मंत्री पद के लिए होड़ मचाते हैं, पैरों में गिरते हैं, साथियों मंत्री पद पे पैरों पे गिरने के ऊपर एक मुझे साथियों शेर याद आगे आए तो सुनाई देता हूँ। बहन जी ने तो बीपी सिंह जी की सरकार को मंत्री पद को ललकारने का काम किया था और अपने वोटों के दम पर सरकारों को भी गिराने का काम किया था, लोकसभा को भी गिराने का काम किया था। वहीं आपके महाराष्ट्र के लोग, वहीं आपके बिहार के लोग, वहीं आपके मध्य प्रदेश के लोग, वहीं आप छत्तीसगढ़ के दलित समाज के लोग अपना पद पाने के लिए दरबार में अपने आप को इतना नीचे गिरा देते हैं कि शेख साहब की 4 लाइनें मनोहर राणा जी की ये 4 लाइनें बिल्कुल सटीक सटीक होती हैं। कहते हैं कि दरबार में जब ओदों के लिए पैरों में अना गिर जाती है, अना होती है मान सम्मान इज्जत, दरबार में जब ओदों के लिए, ओदा मीन्स सम्मान मंत्री का पद उसके लिए, दरबार में जब ओदों के लिए पैरों में अना गिर जाती है, कौमों के सब झुक जाते हैं, यानी जिस कौम से वो आते हैं उस कौम के सब झुक जाते हैं, जो लोग अपने सम्मान के लिए, अपने परिवार के लालच के लिए अपने आप को बेच देते हैं, उनके पैरों में गिरा देते हैं, तो कौम के सब झुक जाते हैं। तो साहब ने कहा कि दरबार में जब ओदों के लिए पैरों में अना गिर जाती है, कौमों के सब झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने, हम सबकी आंखों ने इस तरह के दो मंजर देखे, इस तरह के दो मंजर देखे हैं, जो समय समय पर आपने बाबा साहब के समय में देखा होगा, ओदों के लिए जगजीवन राम जी कांग्रेस के पिछले कूपन गए थे, तमाम और सरकारों में हमारे लोग सरकारों के पिछले कूपन गए थे, वर्तमान में भी आपके महाराष्ट्र के लोग, बिहार के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमाम लोग एससी से ताल्लुक रखते हैं, वो अपने पद के लिए अपने आप को पैरों में गिराने का काम किया है। तो आगे बुलाई लिखी है कि अब तक तो हमारी आंखों ने, यानी हम सब की आंखों ने, अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर बिकते हैं या लोकसभा गिर जाती है, या तो साथियों कौम के रहबर बिक गए और मंत्री का पद पा गए, महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब के सपनों को बेच दिया, मंत्री का पद पा गए, और वहीं दूसरी तरफ
बहन जी ने अपने एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने का काम किया। ये फर्क है बाबा साहब के सच्चे अनुयायी में और बाबा साहब के झूठे अनुयायी में, ये फर्क है साथियों। इसलिए मैं बताता हूँ कि महात्मा गांधी राम साहब ने जब यहाँ के लोगों से कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बाबा साहब की विचारधारा से, जो चांदनी का विचारधारा है, उससे हम MLA MP आमदार खासदार नहीं, बल्कि अपने वोटों के दम पर अपने आमदार खासदार मंत्री मुख्यमंत्री और अपनी सरकार तक बनाने का काम करें। उत्तर प्रदेश हमारे सामने उदाहरण है, उत्तर प्रदेश उदाहरण है। 13 विधायकों के दम पर, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दम पर आदरणीय बहन जी ने BPC खंडार को समर्थन दिया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाई और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित कराने का काम किया। बाबा साहब के लोगों बाबा साहब को सम्मान दिलाने का काम RBI ने नहीं किया, बाबा साहब को सम्मान दिलाने का काम रामविलास पासवान की पार्टी ने नहीं किया, रामराज की पार्टी ने नहीं किया। इन तीनों रामों ने, जो तीन राम है, रामराज रामविलास पासवान और तीसरे राम आपके राम, महाराज के राम समझते हैं ना, तीन रामों ने उनको सम्मान नहीं दिलाया। उन्हें सम्मान दिलाया तो बहुजन समाज के राम कांतिराम साहब ने सम्मान दिलाया, कांतिराम साहब ने सम्मान दिलाने का काम किया। जब तीन संतुलों के दम पर आदरणीय महंत ने BPC की सरकार को समर्थन दिया तो उनकी सरकार को समर्थन देकर के अपनी भारत रत्न बाबा साहब को भारत रत्न दिलाया और बाबा साहब के संविधान के द्वारा जो मंडल कमीशन बना था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने का काम किया। तो हमारे पिछले समाज के लोग यहाँ पर बैठे, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मंडल कमीशन में जो 27% की नौकरियाँ अपने समाज के लोगों को मिलती है तो भाग्य भगवान की देन नहीं, किसी देवी देवता की देन नहीं, बल्कि बाबा साहब के संविधान की देन, इसलिए साथियों हम लोग इस बात को सोच करके कि जब आदरणीय बहन जी जब मानवर कांतिराम का अपने वोटों के दम पर उत्तर प्रदेश में एक बार दो बार तीन बार नहीं चार चार बार अपने वोटों के दम पर देश के सबसे बड़े सूबे में सरकार बना सकते हैं, अपने लोगों के लिए नीतियां बना सकते हैं, अपने महापुरुषों को सम्मान दे सकते हैं, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी, उनके नाम पर स्कूल, उनके नाम पर अस्पताल, उनके नाम पर विश्वविद्यालय, उनके नाम पर योजनाएं देने का काम कर सकते हैं तो महाराष्ट्र के लोग क्यों नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के लोग उत्तर प्रदेश के लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे लोग, उत्तर प्रदेश हम तो कहते हैं कि महाराष्ट्र में अगर एक पत्थर फेंक दो भीड़ में तो जिसके ऊपर पत्थर गिरे तो कम से कम ग्रेजुएट तो मानी लो, उसको MLD तो वकील तो हो गई होगा। और उत्तर प्रदेश में ढूंढोगे तो मुश्किल से मिलेगा ही नहीं, शुरू खास के लोगों की, ये बात शुरू खास के लोगों की मैं कहूँ, लेकिन इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा की एक उंगली टूट जाए तो पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन हो जाता है, बाबा साहब को मानते मरने मानने मुतार हो जाते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात को मानने का काम नहीं करते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि हम अपने वोट की रक्षा अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू की तरह, हम अपने वोट को जिस तरह से अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू को लुटने और बिकने नहीं दे सकते हैं, वैसे ही अपने वोट को लुटने और बिकने नहीं दें, ये बात नहीं मानते। जिस दिन उत्तर प्रदेश के जवानों की तरह, उत्तर प्रदेश के सूत्रों की तरह, उत्तर प्रदेश के दलितों की तरह अगर महाराष्ट्र के लोग अपने वोट को लूटने और बिकने से या फालतू के या फिर या झूठे नेताओं के सहारे अपने वोट को बर्बाद करते रहेंगे उस तब तक इस देश महाराष्ट्र में बहुजन समाज के लोगों को मान सम्मान सम्मान से जीने का खतरा नहीं है। BSP को वोट देने का मतलब ये नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को हराना ही जीतना, BSP को वोट देने का मतलब है कि हमें बाबा साहब को सही साबित करना है कि हमें वोट का इस्तेमाल आ गया है, हमें वोट का इस्तेमाल करना आ गया है, हम बाबा साहब को सही साबित कर रहे हैं। BSP को वोट देने का मतलब, BSP को वोट देने का मतलब ये नहीं है कि MLA MP बनाना है, जिताना है, हराना है। BSP को वोट देने का मतलब है कि हम अपने अधिकारों के विरुद्ध सचेत हो गए, हम अपने वोट की ताकत समझ गए, हम अपने वोट का महत्व समझ गए, तो उत्तर प्रदेश के लोग 1989 में 85 में ही समझ गए। उत्तर
प्रदेश के लोगों ने आज जो पूरे देश में अनन्या भाई जी के पूरे विश्व में उनके लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा है, आज पूरे देश में अनन्या भाई जी के नेतृत्व की क्षमता है, आज पूरे देश के लोग कहते हैं कि जब सरकार किसी भी सरकार की सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार की नीतियों से आवाम के कितने चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकती है। और सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन सरकारों में आवाम के बुझे चेहरे और न आके इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि देश में और प्रदेशों में सरकारें जनहित की सरकारें नहीं है, जनहित की सरकारें नहीं है, उनके हित की नीतियां नहीं है। आदरणीय बहन जी ने जब जब सरकार बनाई तो जनहित की नीतियां बनाने का काम किया। इसी वजह से आज पूरे देश की निगाहें पूरे देश की न सिर्फ बहुजन समाज की बल्कि इस देश के हर उस व्यक्ति की निगाहें आदरणीय बहन जी पर लगी है जो इस देश में सांप्रदायिकता से मुक्ति चाहते हैं, इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था से मुक्ति चाहते हैं, जो लोग सम्राट अशोक के सपनों का भारत चाहते हैं वो लोग आदरणीय बहन जी की ओर देखने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने कर्नाटक में देखा हो, कर्नाटक में मैं प्रभारी हूँ, कर्नाटक में आप लोगों ने देखा हमारे एक एमएलए की बदौलत कर्नाटक की सरकार चल रही है। कांग्रेस के ज्यादा एमएलए भारतीय जनता पार्टी उससे ज्यादा भी एमएलए हैं लेकिन सरकार किसकी चल रही 37 + 1 37+1 38 एमएलए के दम पर सरकार चल रही है। क्यों? क्योंकि आदरणीय बहन जी की ओर पूरे देश की निगाहें। जब मुख्यमंत्री के समर्थन समारोह था आप लोगों ने देखा होगा पूरे देश के विपक्ष के नेता आदरणीय बहन जी की तरफ फोटो खिंचवाने के लिए होड़ लगी हुई थी। कौन बहन जी के पास फोटो खिंचवा ले? क्योंकि उन लोगों ने मान लिया था कि इस देश में आने वाले समय में इस देश का सही नेतृत्व कोई कर सकता है तो परम आदरणीय बहन जी। मानवर कांतिराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी को 1996 में
राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। देश की तीसरी बड़ी पार्टी बना दी थी तो बाबा साहब की पहली चाहत आरपीआई के लोगों ने पूरी नहीं की। बाबा साहब की पहली चाहत थी कि हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी होना चाहिए, तो महात्मा गांधी राम साहब 1996 में पूरी कर दी। बाबा साहब की दूसरी चाहत थी कि हमारी एक विचारधारा होनी चाहिए, तो बहुजन समाज पार्टी की एक विचारधारा है हमारे बाबा साहब के संविधान को लागू करना। तीसरी बाबा साहब की चाहत थी कि एक नेता होना चाहिए, तो साथियों एक नेता के रूप में हमारे पास दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं में लिए जाने वाली परमाननीय बहन कुमारी महारानी। बाबा साहब की चौथी चाहत जो भीम मार्ग पे चलने के लिए थी, चौथी क्वालिफिकेशन थी, वो थी कि हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। तो बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य जिसकी परिकल्पना बाबा साहब ने की थी जब पूर्वोत्तर भारत अखबार निकालने का काम किया था, और बाबा साहब ये चाहते थे भारत बौद्ध में बने, बाबा साहब ये चाहते थे भारत साम्राज्यों के सपनों का भारत बने। महात्मा गांधी राम साहब से जब पूछा था कि भारत आप कैसे भारत को बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था साम्राज्यों के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, मानवर गांधी राम साहब बाबा साहब की चाहत को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए मानवर गांधी राम साहब ने हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी दी, एक नेता दिया आदरणीय बहन जी के रूप में, एक राष्ट्रीय पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी बीएसपी दी, एक विचारधारा के रूप में हमको, एक विचारधारा के रूप में हमको बाबा साहब का संविधान दिया, जिस संविधान को भारत का हर नागरिक मानने का काम करता है। भारत के हर नागरिक के कोई भी धर्म हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, उसकी अपनी धार्मिक पुस्तक हो सकती है, लेकिन हर भारतवासी का एकमात्र धर्म ग्रंथ है वो बाबा साहब का भारत का संविधान। और चौथी चाहत बाबा साहब की मानवर कांतिराम साहब ने बहुजन समाज के लोगों के दिलों में भरने का काम किया, वो चाहत है बहुजन समाज के लोगों को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना। मानवर कांतिराम साहब ने ये सपना दिया ना कि हम बहुजन समाज के लोगों को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना चाहते हैं। बाबा साहब ये तो चाहते थे कि जाओ अपनी दीवारों पे लिख लो कि तुम एक न एक दिन इस देश का हुक्मरान समाज बनोगे। तुम्हारा लक्ष्य ये आरक्षण सरकारी नौकरी पाना नहीं, तुम्हारा लक्ष्य रोटी और दाल पाना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य है गवर्निंग क्लास बन करके इस देश में शासन करना आपका लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को महात्मा गांधी राम साहब ने उत्तर प्रदेश से शुरू किया है, आदरणीय बहन जी पूरे देश में इस लक्ष्य को पूरा करने का काम करेगी। 2019 में मजबूरी में बने या मजबूती में बने, सरकार बहुजन समाज पार्टी की बने। साथियों तो आज हमारा देश युवाओं का देश कहा जाता है, अगर युवा को हम उल्टा करके पढ़े तो वायु हो जाता है, युवा को अगर उल्टा कर दें तो वायु हो जाता है। युवा 65% इस देश में है, 65% में 85% बहुजन समाज के लोग हैं, तो 85% युवा भी तो बहुजन समाज के हो गए, बल्कि युवा तो बहुजन समाज के ज्यादा हो गए। तो इसलिए जनसंख्या किसकी ज्यादा इस देश में, 85% बहुजन समाज की, तो युवा भी 85% से ज्यादा बहुजन समाज के हैं। और युवा वायु का रूप होता है, वायु की तरह होता है, स्वच्छ होता है। हमारे बहुजन समाज के युवाओं को चाहिए स्वच्छता के साथ बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए भारत में बहुजन समाज के लोगों को वोट देने का काम करें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपने वोट को अपने लोगों को देने का काम करें। जिस दिन हमारे लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करके अपने लोगों को वोट देने का काम करना शुरू कर देंगे, मैं आप सबके साथ कहता हूँ इस देश में किसी और की सरकार नहीं बनेगी, केवल और केवल जय भीम मानव की सरकार बनेगी। साथियों आप लोगों का अपने युवाओं से यही बात कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूँ,
दिलों में अपनी बेताबियां लेकर के चले चल रहे हो तो जिंदा हो। अगर मुझे समाज के लोग ये समझे कि हम जिंदा हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं और अपने आप को जिंदा बताते हैं, तो वो जिंदा नहीं, वो गुलाम मानसिकता में जी रहे हैं। तो किसी शायर ने कहा है कि दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। बेताबियां क्या है? बेताबियां हैं बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना। नजर से नजर में ख्वाबों की तितलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की, क्योंकि ख्वाब वो होते हैं, सपने वो होते हैं जो सोते में न देखा जाए, सपने वो होते हैं जिनको पूरा करने के लिए नींद ना आए, वो सपने देखना चाहिए। बार बार खंसी राम साहब ने बहुजन समाज के लोगों को वही सपने देने का काम किया। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हर एक लम्हे से तुम मिलो, बोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा, देखे ये निगाहें जो अपनी आंखों में रोशनियां लेकर चल रहे हो तुम तो जिंदा हो। साथियों, जिंदा तभी हो जब तुम अपने अधिकारों को समझ सकते हो, अपने अधिकारों के बारे में जानते हो, अपने महापुरुषों के बारे में जानते हो, अपने महापुरुषों के संघर्ष के बारे में जानते हो। इसलिए साथियों, मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करके समाप्त करना चाहूँगा। वो समाप्त करूँगा कि नहरों लहरों से डूबकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डूबकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है। जब एक चींटी से सबक लेकर के मोहम्मद गोरी 11 बार भारत पे आक्रमण करके विजयी हो सकता है, तो क्या हमारे लोग चींटी से प्रेरणा लेकर के क्या अपने देश में अपने दम पर अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं? नन्ही चींटी भी अब दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है। मन का विश्वास लोगों में साहस भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। साथियों, आखिरी लाइन बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं के लिए, मैं आखिरी चार लाइनें अपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कहूंगा। क्यों? क्योंकि आरएसएस बीजेपी के लोग बहुत चालाक, इनके पास 93 विंग है जो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। हमारे लोग उनके बरगलाने में ना आए कि असफलता, वो ये कह सकते हैं अरे 14 में तो तुम्हारा एक भी एमपी नहीं आया, 17 में आपके 17 एमएलए उत्तर प्रदेश में रह गए, जब उत्तर प्रदेश में आपका कुछ नहीं हो सकता है तो महाराष्ट्र में क्या होगा। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, अपने बहुजन समाज के युवाओं से कहता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो तुम। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो तुम। क्या कभी रह गई? देखो और सुधार करो तुम। जब तक सफल न हो, नींद चैन त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। फिर कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतने लंबे समय तक मेरी बात को इतनी गंभीरता से सुना। मैं आप लोगों के हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भोली। बहुजन समाज पार्टी नागपुर झोनच्या वतीने एक दिवसीय प्रशिक्षण शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या प्रशिक्षण शिबिराला पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव, महाराष्ट्र, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश या 5 राज्यांचे प्रभारी, आम्हा सर्वांचे आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक आदरणीय खासदार डॉक्टर अशोक सिद्धार साहेबांनी आपल्याला जवळजवळ 2.5 तासाचा या ठिकाणी केडर कॅम्प दिलेला आहे। आपण त्याचं अनुकरण करून समाजाला तयार करण्याचं काम करावं।